बीटीएस के मेंबर जंगकुक हमें अपनी लाइफ की हर एक चीज बताते हैं, और इसी तरीके से जंगकुक जब एक बार लाइव आए थे, जब वो अपने बेड पर थे, रजाई ओढ़ी हुई थी और उन्होंने अपनी टी शर्ट नहीं पहनी थी, तो आपको याद होगा कि जंगकुक ने एक स्कार की बात करी थी जो कि उनकी शोल्डर पर नजर आ रहा था। तो बेसिकली उस स्कार को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो जंगकुक ने उस टाइम पे हमें बताया था कि वो इस स्कार के बारे में हमें बाद में बताएंगे, ये एक सरप्राइज है। और फाइनली जंगकुक ने रिवील कर दिया है कि उनके शोल्डर पर ये स्कार यानी ये निशान कैसे आ गया था। तो फुल स्टोरी जानने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे हमसे अपडेट्स के लिए जुड़ना ना भूलें। तो आर्मीज, जब बीटीएस मेंबर्स को हल्की सी भी खरोश लगती है तो हम सभी के दिलों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हम बीटीएस से वैसे तो बहुत दूर हैं लेकिन दिल से कनेक्टेड हैं। इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि बीटीएस के मेंबर्स एकदम सेफ रहें, एकदम हेल्दी रहें। लेकिन जब जंगकुक के शोल्डर पर इतना बड़ा स्कार आर्मीज को दिखा था तो वो काफी टेंशन में आ गई थी कि जंगकुक को क्या हो गया है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये शायद उनको जिम की वजह से लगा है। यही नहीं, बल्कि जो बहुत से लोग थे उन्हें ये भी लगा कि ये शायद कोई हिकी या फिर लव बाइट टाइप है जिसको जंगकुक छुपाना चाहते हैं। तो फाइनली जंगकुक ने बताया कि एक्चुअली ये स्कार उनको फिल्मिंग यानी शूटिंग के दौरान लगा था। जब वो अभी स्टेशन हेड पर लाइव आए थे कल शाम को, तो उनसे आर्मीज ने पूछा और जंगकुक ने बोला कि जब वो कैल्विन क्लेन के लिए शूट कर रहे थे तो एक पार्ट था जहां पर वो डाउनहिल रन कर रहे थे एक कार में जो कि पार्क थी, मतलब बेसिकली जंगकुक ऐसे भागते हुए आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर बहुत ही स्लिपरी था तो वो फिसल गए और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनको चोट लग गई। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि हो सकता है कि वो चोट गहरी हो जिसकी वजह से जंगकुक के शोल्डर पर वो निशान आ गया था। तो ये फुल स्टोरी जंगकुक ने अपने लाइव में रिवील करी स्टेशन हेड पर, यानी स्पॉटिफाई के प्रीमियम का जो फीचर होता है उस पर, जिसके बाद आर्मीज को काफी रिलैक्स फील हुआ। बहुत सी आर्मीज को टेंशन भी हो रही थी सोचकर कि इतना बड़ा स्कार लगा है इसका मतलब जंगकुक को काफी गहरी चोट लगी होगी। लेकिन अब जंगकुक कोई बच्चे तो है नहीं और उनके साथ हमेशा उनकी प्रोडक्शन टीम, पूरी बिगिट की कंपनी की टीम रहती है, तो जब भी उन्हें चोट लगी होगी तो तुरंत ही मेडिकेशन वगैरह भी दे दिया गया होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि एक आइडल के लिए उसके लुक्स, उसकी बॉडी कितनी मैटर करती है। तो तुरंत ही जंगकुक को काफी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला होगा जिसकी वजह से वो सही हो गए हैं। और ये बताने के बाद जंगकुक का लाइव जो था वो खत्म हो गया था, उन्होंने प्यारी प्यारी बातें आर्मीज से करी और उसके बाद वो चले गए थे। तो आर्मीज, मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि जंगकुक की इस कार स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, और कमेंट में मुझसे हार्ट पाने के लिए जंगकुक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।